जी हाँ दोस्तों, बीबी हरियाणा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। 5100 पेंशन पर लगाई गई मोहर। मिलेंगे हर महीने नया लेटर जारी करते हुए बुजुर्गों की बल्ले बल्ले। इस दिन से सभी बुजुर्गों के खाते में बुढ़ापा पेंशन की राशि 5100 ट्रांसफर करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये बढ़ोतरी नायब सिंह सैनी ने जुलाई महीने की 1 तारीख को की थी। नायब सिंह सैनी ने कहा था जो जुलाई महीने की बुढ़ापा पेंशन है वो सभी लोगों को 5100 अगस्त महीने में देखने को मिलेगी। कई ऐसे दिग्विजय नेता भी हैं जिन्होंने कहा कि केवल झूठी अफवाह उड़ाते हैं और बुढ़ापा पेंशन या किसी भी अन्य योजना में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होती है और ना ही कई पात्रों को किसी भी योजना का लाभ मिल पाता है। उन्हीं सभी लोगों की कही हुई बातों पर नायब सिंह सैनी ने करारा जवाब दिया। कहा कि झूठा साबित करते हुए आप सभी लोगों को 15 अगस्त के बाद यानी कि 20 अगस्त तक हर हालत में सभी बुजुर्गों के खाते में 5100 बुढ़ापा पेंशन ही देखने को मिलेगी और ये मेरा वादा है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि लगातार कार्यालय में चल रही थी मीटिंग पर ऐलान करते हुए बुजुर्गों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा बुढ़ापा पेंशन का लाभ देता है। इसीलिए मनोहर लाल खट्टर लाल के समय पर 2750 बुढ़ापा पेंशन दी जाती थी, अब मेरे कार्यकाल में सभी बुजुर्गों को 5100 बुढ़ापा पेंशन का लाभ दिया जाएगा। जब मैंने पहले ही शपथ ली थी तो मैंने शपथ में ये भी सोच लिया था कि सबसे पहले अगर कोई कार्य करूँगा तो बुढ़ापा पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के। इसीलिए दोस्तों आप सभी लोग निश्चिंत रहिए।